हम लोग मच्छर की व्यवस्था कर चुके हैं सीमेंट गिट्टी बालू और ईंटे की सहायता से। ये देखिए हम लोग ढांचा तैयार किए हैं। ये ढांचा सीमेंट का है और काफ़ी मजबूत है। इस ढांचे को हम लोग छत पे ले जाएंगे और इसे ले जा करके इसमें डंडे लगा करके रात के समय मच्छरदानी को बांध करके हम लोग आराम से ठंडे में सो सकेंगे। और काफ़ी अच्छा लगता है छत पे सोने से। और गर्मी इतनी तेज़ है कि नीचे कोई नहीं सो सकता है और पंखे का हवा भी काफ़ी गर्म है जिससे नीचे सोने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग इस ढांचे की सहायता से छत पे आराम से ठंडी रात्रि का आनंद लेते हुए सो सकते हैं और मच्छरदानी भी इसमें लगा करके मच्छर से बच सकते हैं। तो हम मसालेदार भिंडी की सब्जी बनाने जा रहे हैं और इसमें भिंडी खड़ा खड़ा लेकर के उसे धो करके अच्छे तरह से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। ये देखिए चाकू की सहायता से इसको काट लेंगे छोटे छोटे पीस में और इसे अच्छी तरह से धोएंगे। धुलने के बाद फिर इसका मसालेदार सब्जी बनाएंगे। भिंडी की मसालेदार सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। देसी मुर्गी के अंडे काफ़ी महंगे मिलते हैं और जल्दी मिलते ही नहीं हैं। और ये देखिए मुर्गी ने मेरी देसी अंडे दिए हैं, ये देख रहे हैं। और ये मुर्गी हमें अधमरी अवस्था में मिली थी, इसे रात में कुत्ते उत्ते कुछ अधमरा करके छोड़ दिए थे जिससे मेरे पापा आ रहे थे तो ये रास्ते में मिली थी। तो इसे उठाकर घर लाए और हम इसे अच्छी तरह से दवा ववा लगाए, इसकी काफ़ी सेवा की तो जा कर के ये बच गई। और तब से हमारे घर में रहती है, तब से हम ही इसको अच्छे से दाना पानी और सब कुछ देते हैं। और ये मुर्गी मेरी अंडे भी देती है, ये देखिए ये लेकर जा रही है सेजल मुर्गी को छोड़ने। और सेजल से ज़्यादा वजन तो मुर्गी ही है क्योंकि उठा रही है एकदम चपक के पकड़ी है कि मुर्गी गिरे ना। और देखिए धीरे धीरे लेकर के जा रही है, ले जा कर के इसे बाहर छोड़ेगी। देखिए सेजल धीरे धीरे, देखिए हम पीछे पीछे जा रहे हैं और ले जा करके छोड़ दी मुर्गी को, मुर्गी गई। दोपहर का समय था इसलिए हम लोग घर में थे, काफ़ी गर्मी थी और लू भी चल रही थी इसलिए अब थोड़ा ठंडी हो चुकी है। शाम ढल चुका है जिससे कि हम लोग थोड़ा अपने गलियारे में आए हैं और काफ़ी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। शाम का मौसम है, वैसे भी गर्मी का शाम बहुत ही सुंदर होता है और वैसे भी ठंडी ठंडी हवा चलती है, शांत थोड़ा माहौल रहता है और पशु पक्षी सब आदि सब दिखाई देते हैं घर के बाहर निकलने पर। और हम लोग भी अपने घर के बाहर निकले हैं, देखिए हम भी अपने घर के पीछे खड़े हैं और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन भर दोपहर की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकलते थे लेकिन अब निकले हैं और थोड़ा सा इधर उधर घूमने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए हम लोग इधर पीछे खड़े हैं, इससे हवा आ रही है और हवा ले रहे हैं। हवा लेने के बाद थोड़ा सा राहत मिली है गर्मी से और वैसे भी गर्मी में ठंडी हवा कहाँ मिलती है। वैसे गर्मी की शाम बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग का खाना बन चुका है, जा रहे हैं खाने। धन्यवाद।